गोली हमारे पापा मम्मी से भागते भागते यहाँ से गोली चलती है, गोली मार दिया जाता है, उसके बाद ये आग लगा दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। और देखिए किस तरीके से खौफनाक मंजर रहा होगा। मारो मारो जो होगा देखे जाएगा। आखिर क्यों बोल सकते हैं ऐसे? आखिर क्यों बोल सकते हैं? ऊपर से मदद मिल रहा है ना उन लोग को, बिना ऐसा हो रहा है, ऊपर से मदद मिल रहा है, बिना ऐसे मारते चल रहे हैं गरीब परिवार को। उसका बाप वहाँ खड़ा होकर बोला दाग जो हुई तो देख देख ले जाए। थाने में भी नहीं ख्याल किए थे सब, दो लोग भी ख्याल किए होते तो हमारे पिताजी जिंदा होते। तो हमारे घर में आग लगा दी गई, उसका भी घर गिराइए, मेरा भाई का बदला चाहिए मेरा। उसका पुलिस कंप्लेन करने के बावजूद भी मेरे भाई को मार दिया, आकर यहाँ घर पे मार के गया है। देखिए गोरखपुर में मौजूद थे ना, इतना चिरौरी किए कि बुलाई है उनको दिखाए बाबा इसी गोरखपुर दे, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। चिल्लाते हुए बोला कि जल्दी लेके जाओ गोरखपुर, गोरखपुर लेके जाओ जल्दी। तो कोई उठाने वाला नहीं था यहाँ पे, यही तड़प तड़प तोड़ दिए। उनको अगर यही पता रहता कि योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, तो घर पे चढ़ के मेरे पिता को मारते नहीं मारते। इस गांव में ऐसे और भी लोग हैं, सभी लोग ऐसे ही, सबको पीड़ित है पूरे गांव में। अगर पूछेंगे सभी निषाद परिवार, छोटे बिरादरी सब पीड़ित है उन लोग से। सब लोग ठाकुर लोग परेशान कर सभी जगह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक ऐसा हत्याकांड जो इस समय पूरे गोरखपुर को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को दहला कर रख दिया। एक परिवार को इस तरीके से सताया गया, गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई, के बाद घर को पूरी तरीके से जला दिया गया। क्या नाम है भी आपका? हम शिव कुमार हैं, शिव धनी के भाई हैं। अच्छा, शिव धनी के भाई हैं। पूरी घटना आपको बताते हैं। शिव धनी निषाद और पिकलू सिंह में जो है विवाद होता है, विवाद के बाद पिकलू सिंह की तरफ से गोली चलाई जाती है और जो है शिव धनी निषाद की हो जाती है। उनकी पत्नी भी पूरी तरीके से चोटिल है, जख्मी है और मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती है। मैं सही कह रहा हूँ, यही घटना थी। क्या कुछ हुआ था पूरी बात बताइए। पूरी बात जैसे घर के पीछे मुंडन का कार्यक्रम था, तो मुंडन कार्यक्रम में खाना खाने गए थे। अच्छा, शाम को आपके भाई? हाँ भाई साहब। तो बीच रास्ते में साइकिल किसी ने खड़ा कर दिया था। हाँ। तो वो आया बाइक लेके कातिल। हाँ। अच्छा, बाइक लेके आया और साइकिल के पास गाड़ी खड़ा कर दिया, बोला साइकिल हटाओ। तो थोड़ा दूर पे खड़े थे, बोले हमारी साइकिल तो नहीं है, बोला तो हटा दो। तो ठीक हटा देता हूँ। तो उसके बाद गाली देने लगा उनको, गाली देने लगा। तभी कुछ बोले कि गाली क्यों दे रहे हो। तो उसके बाद हेलमेट चला के लगा मारने और तुरंत गोली चला दिया। गोली नहीं चलाया तुरंत, हेलमेट चला के मारा। तो उसके बाद हल्ला हुआ तो उसके घर के चार पांच लोग और आ गए। अच्छा। तो धमकी दिया था, लाओ बंदूक दाग दे। और उसके बाद हम लोग पुलिस कंप्लेन किए। हाँ। पुलिस वाली सुनवाई हम लोग की कोई नहीं की। रात में पुलिस आई होती तो ऐसा घटना नहीं घटता। 100 नंबर पुलिस आई थी लेकिन रोड पे हम लोग की बातें सुन के चली गई, उन लोग के घर नहीं गई। उसने रात को धमकी दिया था कि लाओ बंदूक दाग दिया जाए। रात को धमकी दिया था। और अगले दिन दाग फायर करके गया। यहाँ दरवाजे पे चढ़ के मारा, यहाँ खड़ा होके मारा था, मेरे द्वार पे चढ़ के। हाँ। और उसके बाप भी पीछे पीछे आया। उसका बाप वहाँ खड़ा होके बोला दाग जोन हुई तो देख ले जाए। घर को मार रहे है, बोल रहे मारो मारो जो होगा देखे जाएगा। आखिर क्यूँ बोल सकते है ऐसे? आखिर क्यूँ बोल सकते है? ऊपर से मदद मिल रहा है ना उन लोग को, बिना ऐसा हो रहा है, ऊपर से मदद मिल रहा है, बिना ऐसे मारते चल रहे गरीब परिवार को। थाने में भी नहीं ख्याल किए थे सब। थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे। वही पुलिस वाले जो आज यहाँ पर चौकसी कर रहे हैं, वहाँ दिखाइए बगल, घटना होने के बाद उनकी तैनाती है। और घटना होने के बाद रात भर वहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे दो तीन दिन से बैठने लगे। नहीं तो वहाँ पे नहीं थे तो हमारे घर में आग लगा दी गई। वो लोग नहीं है, उन लोग की गाड़ी घोड़ा सब कुछ तो ऐसे पड़ा हुआ है, घर भी सलामत है। नहीं, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। उसका भी घर गिराइए, मेरा भाई का बदला चाहिए मेरा। उसका हमको ये चाहिए, हमारे भाई का बदला चाहिए हमके। हमको भी मारा, तीन डंडा हमको भी मारा, आकर यहाँ घर पे मार के गया है। देखिए बच्चे मारा क्यों? क्यों मारा हो? वही साइकिल के विवेद में हम लोग घर में थे, हम लोग को भी मारा, सबको, बच्चे को खेदरा खेदरा मार रहा था। उनके हम लोग खाली औरतें थी, उनके तीन चार भाई थे, सब लोग हम लोग के मार रहे थे, पूरा घर। उनके पट्टी के सभी लोग आके मार के घर पे गए। बोले पापा मैं भी आ रहा हूँ काम पे था, बोले रहने दो, झगड़ा मत बढ़ाओ, घर पे शादी है, ऐसा कुछ मत करो, हम लोग नहीं ऐसा करेंगे। फिर भी हमारे पिताजी को गोली उसके बाद मार।
चला गया दोपहर में, मेरे से बात किए थे 3 बजे को, नहीं बात कर पाया था। और देखिए अब इस घटना घटित होने के बाद एक अहम सवाल होगा, क्या संजय निषाद जो इसी क्षेत्र से आते हैं, संजय निषाद इंसाफ दिलाएंगे इस निषाद परिवार को? इस बेटे के आंखों का आंसू संजय निषाद पोछेंगे? बाबा याद थे गोरखपुर में मौजूद थे, इतना इतना चिरौरी किए कि बुलाई है उनको दिखाए बाबा इसी गोरखपुर दे, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। हम लोग डीएम साहब का और योगी जी का डिमांड किए लेकिन पुलिस वाले लोग चले गए, लेकिन बाबा नहीं आए। मेरे पास वीडियो भी है, बोल रहे हैं चलो चलो बाबू जल्दी करिया करम करो, ले सब ले आके धाई देना, हाली लेके भाग गए लहास। जानी नहीं है बदबू करके क्या होगा, हम लोग को पता है ना क्या के साथ। यानी आप समझिए कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी गोरखपुर में रहते हैं और उसी दूसरे तरफ दबंगई और गुंडई देखिए किस तरीके से चरम पर है कि घर जो है जला दिया गया, चारपाई तक जला दिया गया। कुछ कहेंगे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, जो है न्याय जरूर होगा आपके साथ, जान तो नहीं लाया जा सकता लेकिन न्याय और इंसाफ जरूर होगा। क्या कुछ कहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री? इस गांव में ऐसे और भी लोग हैं, सभी लोग ऐसे ही, सबको पीड़ित है पूरे गांव में, अगर पूछेंगे सभी निषाद परिवार छोटे बिरादरी सब पीड़ित है उन लोग से, सब लोग ठाकुर लोग परेशान कर सभी जगह, अभी ऐसे हर एक जगह कुछ समय बाद ऐसे होता रहता है। हमको न्याय जैसे हमको न्याय उसी तरह उसका बिल जोड़ने से घर गिराया जाए, फिर ऐसा कुछ जीवन में ना घटना घटे, ना ऐसा हो हम लोग के जीवन में। अपने अपने घर में, हमारे घर में किसी के बच्चे का खरोच नहीं आना चाहिए, जब तक ले जीत रहेंगे तब तक ले, ये लोग का दबाव नहीं चाहिए ये लोग का। हमको न्याय चाहिए, उसे उसके घर को बुलडोजर से गिरवाया जाए। जाते हैं, चिखरवाते हैं, खेत चिखरवाते हैं, काम कराते हैं, ये लोग छोटे छोटे बच्चे को खदेड़ के लेके आ जाएंगे, इतना बड़ बड़ाई कैसे चलेगा? कौन कौन स्कूल से खदेड़ के लेके आता है? सब इतना कर सभी लोग स्कूल से बच्चे को लेके आ जाते हैं, काम करवाते हैं खेत का, स्कूल से पढ़ने नहीं देते हैं। नहीं देते सर, ऐसा जुल्म होता है यहाँ पे, लेकिन कोई न वहाँ तक भी थाने पे नहीं जाते, थोड़ा लोग ही तोड़ ले जाते हैं बिना पूछे, थाने पे जाके भी क्या पाते हैं, घर से गोली मारती है आकर घर पे बिना डरे। उनको अगर यही पता रहता कि योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, तो घर पे चढ़ के मेरे पिता को गोली नहीं मारते, नहीं मारते कोई डर नहीं है ऐसे आतंकवादियों लोग का। बेखौफ जो है मनबड़ दबंगई किस तरीके से कर रहे हैं सीएम योगी के क्षेत्र में, सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में, पांच लोग का, पांच लोग मेरी बहन ही थी उस समय, हम लोग तो काम कर रहे थे, कितने लोग थे? क्या हुआ बहन बताओ? हमने 7 लोगों का नाम बताया था, 5 लोग बस अरेस्ट हुए हैं, 5 ही लोग अरेस्ट हुए, 5 ही लोग हुए हैं। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि आरोपी 7 लोग थे और 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपको बता दूं कि गिरफ्तारी हो चुकी है, पिकलू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके घर पे अब यहाँ पर कोई नहीं है, बगल में इसका घर है, कितना दूर पे घर है? उसके घर पे कोई नहीं है, बहुत लोग हैं, सारी औरतें हैं उसके घर की, हाँ सब लोग हैं घर में, जाके देखिए है उसके घर में, दो भुईदरा है घर में, उसको हुआ ऊपर का सब चेक करके गए, अंदर का नहीं चेक किया, उसमें भी कोई छिपा बैठा हो, अंदर को चेक किया, मीडिया वाले कह रहे न्यूज में कि जो है उसके घर पे वहाँ पे कोई नहीं है, है अंदर चेक करे ना, भुईदरा है उसमें छिप सकते हैं। सुबह शाम पानी गिर रहा है, आवाज आ रहा है, घंटी बज रहा है, पूजा पाठ करने बिना कोई रहे हुए अंदर से ऐसा होता है? पहले पहले की कोई कोई घटना लोग कह रहे हैं जमीनी विवाद? नहीं सर ऐसा कुछ उन लोग से विवाद नहीं था, हमारे इधर अभी पूरा ठंडी आ के सब्जी तोड़ तोड़ के, मैटर सिर्फ साइकिल का है, हाँ। साइकिल का मैटर, साइकिल को लेकर गई और कोई विवाद नहीं है, कोर्ट कचहरी में ऐसा उन लोग से कोई विवाद नहीं है सर, कोई विवाद नहीं है, जमीनी कोई विवाद नहीं है, विवाद नहीं है सर। अगर जमीनी विवाद है उन लोगों से तो जांच किया जाए, ऐसा कुछ विवाद नहीं है सर, उन लोग से कुछ नहीं आते, मेरे भाई का बदला चाहिए, हमें मेरा भाई जैसे गया तैसा वो भी जाएगा, उसको भी जाए, उसको भी नहीं रहना चाहिए, न्याय जरूर होगा आपके साथ, और आप घबराइए नहीं, न्याय जरूर होगा, इंसाफ जरूर मिलेगा।